देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तो बाहर से बंद है। ये ऐसे नहीं खुलेगा दी। ये कैसे हो गया?
मुझे दिशा की बात का बुरा मान के जाना ही नहीं चाहिए था यार। अर्जुन आंटी आप यहां कैसे? तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं निया से मिलने इंडिया आया हूं। एम्बुलेंस कहां है? अप्पो जा राम प्यारी लेकर आ, एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर सकते। अच्छा भी तुम ठीक हो? ये जल गई है। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। अंदर तो कोई नहीं था, ये छवि कैसे पहुंच गई लॉन्ड्री में? चलो अच्छा ही हो, मैं तो सिर्फ लॉन्ड्री जलाने निकली थी, साथ में उसकी बेटी भी जल गई। सिंगल पैसे में डबल धमाका हो गया ये तो। मुझे मेरे अक्षय के सामने एक्सपोज करने की इतनी सजा तो मिलनी ही चाहिए थी अपराजिता को। निया? निया? निया क्या? निया अंदर है? निया? निया! निया! हटो! आशा इसको संभालो। निया! चावी! चावी! माँ! माँ! निया अंदर थी तो हमको दिखी कैसे नहीं? आवाज क्यों नहीं दी उसने हमको? निया! निया! नाटक नहीं चाहिए मुझे। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बेटी को देखो, उसे छोड़ो यहाँ। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ले आइए ने। प्लीज निया, निया मेरी, मेरी निया, ओ निया। हे भोलेनाथ, हमारी बच्चियों की रक्षा करना। निया तुम लोग हॉस्पिटल पहुंचो, हम जा रहे हैं। तुम लोग चलो, मैं आगे बैठा हूं, बंद करो। पापा अंडे, मुझे छवि धनिया के साथ रहना पड़ेगा, प्लीज संभालो। पुत्र तू जा, मैं इधर का सब देख लेंगे। तू जा पुत्र, तू जा। थैंक यू अंडे। एंड एंड हम लेके जा, मैं उठे देखनी हूं। Let me drive. Please मुझे चला नहीं दो, मेरी दीदी की जान खतरे में। अर्जुन प्लीज मुझे चला। मेरी भी फ्रेंड की जान खतरे में है यार। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? मेरी फ्रेंड निया, जिसके लिए मैं दुबई से यहाँ आया हूँ। भगवान, शायद गुरुजी इसी तूफान की बात कर रहे थे। ये आग कहीं बीटी और अक्षय के रिश्ते को भी न जला दे। हमारे परिवार की रक्षा करना भगवान। इन्हें बंड वार्ड में ले जाओ, क्विक। डॉक्टर अग्रवाल को इन्फॉर्म करो जल्दी। एंड आई थिंक इनके लंग्स में ज्यादा स्मोक भर चुका है, तो इन्हें पहले आईसीयू ले चलो, क्विक। इंस्पेक्टर थैंक्स फॉर कमिंग। बर्न केस है, मिस निया की कंडीशन ज्यादा खराब है। Hello?
तो हमें दोनों लड़कियों का इलाज करना होगा इमीडिएटली। हमें जिससे पूछताछ करनी है हम कर लेंगे, आप पहले इनके ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए। अक्षय, हमारी बेटी वहां है, चलो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सुन रही हो ना हमारी बात? हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम डॉक्टर अग्रवाल को बुला के लेकर आते हैं। हे भोलेनाथ, यहाँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसकी मदद करना। हाँ बेटा, ठीक हो जाएगी, हम उसे ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएगी। दिशा, बेटा एक बार जाके निया को देखो, पता नहीं हमारी नजर उस पर कैसे नहीं पड़ी, हम देख ही नहीं पाए उसको, हम वही थी और हम चबी को लेकर आ गए। जाओ बेटा देखो, वहीं रहना, हमको बताते रहना। माता रानी, हमारी बच्चियों की रक्षा करना हमें ताकत नहीं है कुछ सहन करने की, उनकी रक्षा करना। आप निया को मुझसे दूर नहीं कर सकते, उसे तो पता भी नहीं है कि मैं आ गया हूं। आप उसको लेके नहीं जा सकते। मिस्टर सिंह जी, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, पर क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जी बताइए। आपको क्या लगता है, ये लॉन्ड्रिंग में लगी आग सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी की सोची समझी साजिश? ये हुआ होली का असली सेलिब्रेशन, अब इस लॉन्ड्री के साथ साथ तुम्हारी बेटियों का भी फ्यूचर का दिया है। इंस्पेक्टर साहब, वैसे मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपराजिता से एक बार बात कर सकते हैं। वो क्या है, उसकी लॉन्ड्री है शायद उसे, लेकिन बाद में कीजिएगा, अभी तो छवि का ट्रीटमेंट चला है तो वो बिजी होगी वहाँ पे। मैं उनसे बात करूँगा ही, पर आपको किसी पर शक है? इससे पहले कि इसका शक मुझ पर आए, मुझे इसे किसी भी तरह डाइवर्ट करना होगा। निया, निया कहाँ है? कैसी है निया? ठीक है मोस्टली, वो अभी कुछ बता नहीं पा रहे, अंदर है अभी भी, ट्रीटमेंट चल रही है उसकी। आप कौन? ये दिशा है, मेरी और अपराजिता की बेटी है, छवि की छोटी बहन है। आप लोग एक बार फिर से सोच लीजिएगा, अगर आप लोगों को कुछ भी याद आता हो या मुझसे कुछ भी बताना चाहते हैं तो मैं यहीं आसपास में हूँ, और आपको भी अगर किसी पर भी शक हो तो बेझिझक मुझे बताइएगा। ये सवाल अब जाके अपराजिता से क्यों नहीं पूछते? जाइए और जाके पूछिए उससे कि क्यों वो सिर्फ अपनी बेटी को बाहर लेकर आई, मेरी बेटी को वहीं छोड़ दिया मरने के लिए। पूछिए ना कि किस बात का बदला ले रही है वो मुझसे, पूछिए ना, जाइए उससे पूछिए। शांत हो जाओ, चुप के जा रही हो, कब किसके सामने क्या बोलना है समझ आएगी नहीं तुम्हें? अपराजिता ऐसा क्यों करेगी?
आग रखी थी, धुआं बहुत ज्यादा था, शायद दिखी नहीं होगी निया उसको, तभी तो वो। तुम्हें उसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती है राइट? यही गलती मैंने की होती, छवि को वहां मरने के लिए छोड़ देती और अपनी बेटी को बाहर लेकर आती तो तुम मुझे अपने घर से नहीं, दिल से, जिंदगी से निकाल देते। लेकिन वो जो करे वो सब सही है, पर उसकी असलियत मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। जानबूझ के उसने निया को वहां मरने के लिए छोड़ दिया ताकि निया जलकर तड़प तड़प के मर जाए, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। अगर इसके आगे आपने एक भी शब्द बोला ना मेरी मम्मा के बारे में तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं। मेरी मम्मा किस मिट्टी की बनी है वो आप जैसी औरत क्या समझे? वो बेचारी मेरी माँ वहां पर छवि दी के साथ फिर भी निया के बारे में सोच रही है। मम्मी को थोड़ा भी पता होता ना कि निया वहां पर फंसी तो वो छवि दी से पहले निया को बचाती। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये वो कुछ भी बोल रही है, निया को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। तो स्ट्रेस में मेरी मम्मा भी है ना, पर वो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही इनकी तरह। आपको पता है मम्मा ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं निया की कंडीशन जान सकूं, देख सकूं, उसके साथ रह सकूं। यही डिफरेंस है इनमें और मेरी मम्मा। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी। अरे आप क्या समझेंगे, जिस आदमी ने 15 साल पहले मेरी मम्मा को इसकी वजह से छोड़ा वो क्या समझेगा? आप हमेशा इनकी ही साइड लोगे। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पर ड्रामा नहीं कर रहे ना, अस्पताल में यहाँ पे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। जो भी आपको कहना है वो आप इनसे कहिए, इनकी बात सुनिए। दिशा चल चल, इट्स ओके, वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो, जस्ट प्रे प्रे कि हमारी निया ठीक हो जाए। सिस्टम कैसी निया? डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब तक होश नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ दी? क्या बोला डॉक्टर ने? आप यहाँ क्यों आ गए? निया दी की तबीयत कैसी है? आईसीयू में अब होश नहीं आ रहा उसे, होश नहीं आ रहा, इसे भी होश नहीं आ रहा। सिस्टर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हो रहा है? डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? मैम प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, डॉक्टर जब आएंगे तब आपको भी पता चल जाएगा। पर डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे? आपने बताया ना, आपने बोला कि इमरजेंसी है, तो आ क्यों नहीं रहे? मैम बताया था अभी वो ओपीडी में पेशेंट देख रहे हैं, जैसे ही फ्री होंगे वो आ जाएंगे। तुम कैसे जानते हो निया को? अक्षय, अर्जुन भी दुबई से ही है। निया और अर्जुन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आता हूँ मैं। कहाँ जा रही हो तुम? तुम यहाँ संभालो, मैं छवि को देखकर आता हूँ। अक्षय अक्षय प्लीज डोंट गो, प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। आई नीड यू निया, नीड यू, प्लीज स्टे विद अस। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ ना, अस्पताल में ही हूँ ना, यहीं पास ही में हूँ। अगर निया मेरी बेटी है तो छवि भी मेरी बेटी है। जितना टाइम मुझे निया के साथ स्पेंड करना है उतना ही मुझे छवि के साथ भी करना है। मैंने कहा ना प्लीज मुझे मत छोड़ो, छोड़ो अक्षय प्लीज।